हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार कर्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर में। जी हां फ्रेंड्स, जैसा कि FCI का एग्ज़ाम हो चुका है उसके कट ऑफ के रिगार्डिंग मैं वीडियोस लेके आया हूं। हम लोग बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे कि FCI के कट ऑफ कितने हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं, उतने रिजल्ट डेट क्या होंगे। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे चैनल पर बने रहें, आपको सारी की सारी जानकारियां मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, डीपली एनालाइज करते हैं कि इसके कटअप क्या हो सकते हैं। सबसे पहले बात करूं कि गुड अटेम्प्ट क्या थे। आप लोगों को पता है कि गुड अटेम्प्ट इजी टू मॉडरेट एग्ज़ाम आया था। बहुत सारे शिफ्ट इतने इजी थे कि बच्चे बहुत सारे अटेम्प्ट करके भी आए। तो अगर मैं देखूं तो इंग्लिश में 20 से 22 क्वेश्चन ईजीली किए जा सकते थे, रीजनिंग भी 27 से 30, किसी कुन किन लोगों ने तो 35 के 35 भी किए हैं, और क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड में 24 से 26 को गुड अटेम्प्ट माना जा रहा है। तो ओवरऑल की बात करूँ कि जिन लोगों ने भी 70 से 78 गुड अटेम्प्ट माना जा रहा है, जिन लोगों भी 70 से 78 अटैम्प्ट किए हैं उनके गुड अटैम्प्ट माने जा रहे हैं। जी फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले अगर आप मैं बात करूं कि बहुत सारे ऐसे शिफ्ट थे जो काफ़ी इजी आ रहे थे, किसी किसी में सिंप्लीफिकेशन 10 पूछा जा रहा था, किसी किसी में शिफ्ट में आपने देखा होगा कि 15 सिंप्लीफिकेशन पूछ लिए गए, 5 नंबर सीरीज वो भी मिसिंग पूछ लिए गए, 10 के 10 DI पूछ लिए गए और 5 मिसलेनियस। तो इजी वे में आप 30 प्लस कर सकते थे, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में क्या किया गया, 5 सिंप्लीफिकेशन पूछे गए, मिसलेनियस के संख्या ज़्यादा हो गई, डाटा सफिशियंसी तक पूछे गए हैं किसी किसी शिफ्ट में। अब अगर आप मैं बात करूँ तो 1 तारीख के मॉर्निंग शिफ्ट में डाटा सफिशियंसी भी देखने को मिला है, और 3 तारीख को अगर जब लास्ट शिफ्ट में आप जाओगे तो 15 सिंप्लीफिकेशन, 5 नंबर सीरीज, 10 DI आपको देखने को मिलेंगे। तो 30 क्वेश्चंस आप इजी वे में कर सकते थे, और बहुत सारे शिफ्ट में रीजनिंग काफ़ी इजी आए हैं, तो वेरिएशन आपको देखने को मिला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट 85+, बहुत सारे स्टूडेंट ने किया है 90+ किया है, तो मैं लेकिन एवरेज अगर बात करूं तो 70 से 78 गुड अटेम्प्ट्स माना जा रहा है। अगर आप लोगों ने इतने अटेम्प्ट्स किए हैं 80-90% एक्यूरेसी के साथ तो आपके सिलेक्शन पक्के हैं। तो मैं अब एक बात बताता हूं फ्रेंड्स, क्यों आपके सिलेक्शन पक्के हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो SSC की प्रिपरेशन कर रहे थे और जो रेलवे के प्रिपरेशन में लगे थे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मैंने देखा कि जो FCI का फॉर्म फिलअप किए है और उन लोगों को ये पता नहीं था कि टाइम 20-20 मिनट्स में उन लोगों ने तैयारी नहीं की हुई थी, जो 20-20 मिनट्स आपको बैंकिंग एग्जाम्स में ही देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो 20 मिनट्स में कितने गुड बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम थी उन लोगों की, लेकिन जो बैंकिंग स्टूडेंट्स जिन जो बैंकिंग के रेगुलर बेसिस पे सेट मारते हैं, मॉक करते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी इजी था 20 मिनट्स में अच्छा स्कोर करना। तो वो लोग 85+ उन्होंने किया है, 78 किया है, 70+ तो उन लोग के अटैम्प्ट्स हैं ही। तो अगर मैं बात करूं पिछले ईयर प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम्स हुए थे FCI के उनके कटअप की, तो उस समय 120 क्वेश्चंस रहा करता था, 120 मार्क्स के एग्ज़ाम्स हुआ करते, तो उसमें जनरल के 75 आपको देखने को मिले थे, OBC के 72, SC के 65 और ST के 62। जनरल के 120 में 75 कटअप गए थे, तो उस समय भी इसका जो पैटर्न था वो काफ़ी इजी टू मॉडरेट ही था। तो जब 120 में 75 गया था तो अगर परसेंटेज की बात करूँ तो 62.5 लमसम आपको इसके परसेंटेज आते हैं। तो 100 में 62.5 अगर आपके मान लीजिए लगभग में 62.5%, तो आपके कटअप क्या हो सकते हैं। गुड अटेम्प्ट्स आप मान लो कि बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म भरा, आपको लेना है कि अगर मैं नॉर्दर्न रीजन की बात करूँ तो 1000 अगर वैकेंसी है डिपो में, या सपोज करो फॉर एग्जांपल डिपो में 1000 वैकेंसी है, तो आपको 10 से 15 गुना आपके स्टूडेंट्स लेने हैं जो मेंस के एग्ज़ाम्स देंगे। तो 15000 आप स्टूडेंट लोगे, तो 15000 जो स्टूडेंट्स लोगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको सेक्शनल जो टाइमिंग था उनमें उनको प्रॉब्लम हुई, वो अच्छा अटैम्प्ट नहीं कर पाए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिन लोगों जो भी थोड़े कंसर्स थे वो अच्छा अटैम्प्ट करके आए। तो 15000 स्टूडेंट्स भी लेने हैं आपको, फिर उसके बाद भी आपको मेंस में छांटना है, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स 10000 के लगभग में आप मेंस के लिए सेलेक्ट करोगे अगर 10 से 15 हज़ार जो भी हो। लेकिन आपको जब प्री की बात करूं तो 62.5% तो नहीं जाएगा, लेकिन कटअप उसके हाई जाएंगे। तो मैं आप मान सकते हो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन बहुत सारे कुछ अच्छा करके भी आए, तो वेरिएशन देखने को मिला, क्योंकि इस बार
चेंजिंग हुए थे, एफसीआई इस बार फर्स्ट टाइम बैंकिंग पैटर्न पे एग्जाम्स ले रहा था, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम भी और बहुत सारे के लिए तो अपना सेफ जोन था बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए, तो उन लोगों के लिए अच्छा माना जा सकता है। अगर मैं कटअप की बात करूँ कि इस साल कटअप कितने रहेंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग इस बार एफसीआई के कटअप जनरल कैटेगरी के लिए 68 से 72 के अप्रॉक्स आपको देखने को मिलेंगे, 70 के अप्रॉक्स मिलेंगे आपको देखने के लिए। मेरा अनुमान है कि 67 टू 70 के बीच में ही रहेंगे, जनरल कैटेगरी 68 टू 72। ऐसा इसलिए कि माना कि मैंने अगर 86 किए या मैंने 90 कर लिए, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे 70 में 70 सही हैं, मेरे मैथ डिजी 70 टू 70, मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने 100% एक्यूरेसी के साथ मैंने 70 के 70 किए। लेकिन जब इंग्लिश की बात आएगी तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने अगर 20 किए हैं तो मेरे 20 के 20 सही ही होंगे, तो यहीं पे वैरी कर जाएगा कि मेरे ये नहीं कह सकता कि मेरे 20 के 20 सही होंगे। तो इंग्लिश की आप गेस नहीं कर सकते हो कि आपके कितने सही होंगे, आप बस एक अनुमान लगा सकते हो, तो इसलिए वहाँ पर वैरी कर जाएगा आपके कटअप। इसलिए आपके 68 से 72 के लगभग में आपके जनरल कैटेगरी के कटअप हो सकते हैं, और ओबीसी के 66 टू 70 के बीच में आपको कटअप देखने को मिलेंगे, ज़्यादा अंतर जनरल और ओबीसी के कटअप में नहीं देखने को मिलता है। इसी अकॉर्डिंग आप एससी और एसटी के मान सकते हो। फ्रेंड्स, जिनके जिन लोगों ने भी 75 प्लस किया है, जिनके भी अटेम्प्ट अच्छे हैं, वो मेंस के तैयारी में लग जाएं, और मैं जल्द ही मेंस के रिगार्डिंग आप लोग के लिए वीडियो लेके आऊँगा कि डिटेल सिलेबस की, मेंस की तैयारी कैसे करें, क्या क्या सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। मैंने जीके कैप्सूल्स भी एक दिए हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके देखें, जीके कैप्सूल कैसा लगा वो बताएं, आप लोग लाइक ज़रूर करें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और अच्छे से अच्छा एफसीआई के मेंस के लिए भी आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं। अब जब बात कर लेता हूँ रिजल्ट डेट की, तो मेरे अकॉर्डिंग एफसीआई के रिजल्ट लास्ट वीक ऑफ जून, 25 जून या 28 जून तक आपके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आई होप कि इतने 25 या 28 जून को आपके रिजल्ट आ जाएं, इतने तक आपके रिजल्ट जरूर आ जाएंगे फ्रेंड्स लास्ट वीक ऑफ जून में। मैंने एक्सपेक्ट किया है ये 25 या तो 28 जून को आपके रिजल्ट आएंगे। तो आई होप हमारा सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube के चैनल द गोल अचीवर को अपना प्यार इसी तरह देते रहें। मैं जल्दी आपके SBI PO के कटअप और FCI के मेंस के सिलेबस के रिगार्डिंग वीडियोस लेके आऊँगा। आपको कैसा लगा सेशन बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।